हे गाइस, वेलकम बैक टू वन चैनल बाजार के कुमार। तो हर रोज़ की तरह फिर से एक नए स्विंग ट्रेड स्टॉक आप लोग के लिए लाया हूँ, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। इस स्टॉक को मैंने पहले भी बहुत बार सजेस्ट किया था, तो ऑलमोस्ट सारे लेवल अचीव हुए थे। फिर से एक लेवल देखने को मिल रहा है स्टॉक में, तो सारे लेवल क्या होंगे, क्या सेलिंग होंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके। तो स्टॉक की बात करते, स्टॉक का नाम देख ही होंगे, इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड। देयर हैव नॉन बैंकिंग स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और स्टॉक की आज की ट्रेडिंग देख सकते, ऑलमोस्ट 55.5 का हाई था और देखिए 51.10 का लो था, तो ऑलमोस्ट -4.7% गिरावट देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और स्टॉक की 52 हाई देखे तो ऑलमोस्ट देखिए 120 रुपये का हाई है, वो भी आज ही इस साल का था, 31 जनवरी को देखने को मिल रहा था। तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में भी मिल रहा है आप लोग को, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की व्यू रख सकते हैं, स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है स्टॉक में। अगर बात करें स्टॉक की 2 वीक्स डाटा की देखें तो हम लोग देख सकते हैं लगभग 50 रुपये का लो है जो 9 सितंबर को था, और देखिए 14 सितंबर को 57.50 का हाई था। तो हम लोग को इसी लेवल के आसपास बाइंग करना है और इसी लेवल के आसपास 57 अराउंड के पास सेल करना है। बाय ऑन डीप सेल ऑन हाई के इसी लेवल को हम लोग को अपनाना है, ताकि कुछ ही दिन के अंदर हम लोग को अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं स्टॉक की प्रॉफिट इनकम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट देखिए मार्च में था 99.72, उसी पास गिरावट आया, और देखिए दिसंबर में 190 था, लगभग थोड़ी बहुत डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक काम बैक करने वाला है आने वाले कुछ दिन के अंदर। अगर देखिए स्टॉक की डिलीवरी क्वांटिटी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 32.6% का डिलीवरी क्वांटिटी है, जो एक बहुत ही बढ़िया है। और स्टॉक की वॉल्यूम की जो आज की देखिए लगभग 3 करोड़ और 16 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ है, ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और स्टॉक की बेसिक चार्ट देखें 1 ईयर की, देखिए स्टॉक कभी लाई कर रहा था 100-120 के आसपास, स्टॉक अभी स्टे कर रहा था, उसी वक्त थोड़ा गिरावट आया, देन स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेवल में कर रहा है। स्टॉक की लेवल बता दें, मान लीजिए स्टॉक 48-60 का लेवल, ये इसी लेवल में बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा है, ना ही कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसी लेवल का बाइंग करेंगे और इसी लेवल का सेलिंग करेंगे, तो हम लोग को थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है स्टॉक में। स्टॉक की टेक्निकली रेटिंग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सामारी देखिए मूविंग एवरेज भी है, जैसे टेक्निकल इंडिकेटर बीआरई थोड़ी बहुत ग्रीन इंडिकेशन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। एक मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट देखिए लगभग बुलिश 51.77 पे लिया, तो और देखिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, मिड टर्म में बुलिश है, और लॉन्ग टर्म में बीआरई मूवमेंट देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और बात करते हैं RSI की, देखिए RSI स्टॉक के लिए महत्वपूर्ण रहता है, देखिए RSI ऑलमोस्ट बीआरई मूवमेंटम में चल रहा है स्टॉक में। अगर बात करते हैं MACD, देखिए MACD ऑलमोस्ट बुलिश सिग्नल दे रहा है, बाकी ROC CCI बीआरई से मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल में है। तो देखिए स्टॉक में कभी भी काउंस ब्रेक आ सकता है, आप लोग को रडार पर रखना चाहिए स्टॉक को, सही लेवल पर बाई कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है स्टॉक में। अगर बात करते हैं टेक्निकली जो चार्ट मेरा देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ जो रेड लाइन है वो नेगेटिव ट्रेंड का सिग्नल देता है मेरे को, नीचे तरफ कोई ग्रीन लाइन था, जो ग्रीन लाइन जो बना है वो लगभग 53.6 के आसपास लेवल है। इसी लेवल को अगर स्टॉक ब्रेक करता है तब एक स्टॉक में बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर स्टॉक इसके नीचे स्टे कर रहा था, आप लोग के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ काम करेगा। देखिए पहला सपोर्ट निकल कर रहा है 51, देन 50, देन 48, ये सपोर्ट आप लोग के महत्वपूर्ण रहेगा नीचे की तरफ बाई करने के लिए। और ऊपर की तरफ सेलिंग की बात करें, देखिए सेलिंग की तरफ 57, 59, देन 61 ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है विद इन 1 वीक और 2 वीक के अंदर ही। आप चाहे तो खाते में लिख कर ले लीजिए लेवल को। अगर बात कर देखिए पीवोट लेवल के आप लोग इनाज करेंगे, देखिए पीवोट यहाँ पर बना है 55.1 का आ रहा है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसके ऊपर स्टे कर रहा है, देखिए 57 का टारगेट मिलेगा, 59, 61। आप चाहे तो पीवोट पॉइंट को आपको 53 भी मान सकता है स्टॉक में, कोई खराबी नहीं है, इसके ऊपर रहेगा तो स्टॉक बुलिश सिग्नल देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट की बात करें, देखिए सपोर्ट 52 पॉइंट का सेट से सपोर्ट बन रहा है, और सपोर्ट 50.3, देन 48, ये सपोर्ट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहेगा बाइंग के लिए, और ये लेवल रहेगा आपको सेलिंग के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से बाई कीजिएगा, बल्क बाइंग तो बिल्कुल ना करें। और ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख के ही बाइक तुरंत बाई कर ले, आप लोग को लेवल को एनालिसिस करना है, आप लोग को भी खुद को होमवर्क करना पड़ेगा, तभी आप लोग को मालूम पड़ेगा स्टॉक में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और स्टॉक की एक बार मार्केट कैपिटल देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1,784 करोड़ के आसपास है, और पी देखिए 248.57 है, बुक वैल्यू देखिए 50.10, डिविडेंड नहीं है स्टॉक में। तो स्टॉक एक मिडिल क्वालिटी का स्टॉक है, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, आप चाहे तो मोमेंटम कर सकते हैं। और देखिए स्टॉक की
26% का बाइंग देखने मिला, 11% सेल। देखिए ऑलमोस्ट क्या ज़बरदस्त सोने पर स्वागत है स्टॉक, मेरा मानना है। तो अब बात करते एक्सपेक्टेड क्लोज अराउंड 57 इन बाय दिस वीक। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक विथ ईयर एंड प्राइस टारगेट ऑफ 95। देखिए कमेंट्स तो आते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इसमें ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग को फोकस रखिए। जो मैंने जो लेवल बताया उसी लेवल पर आप लोग बाई करिए, तभी आप लोग को फायदा हो सकता है। स्टॉक होल्डिंग की देखिए यहाँ पे एक घबराने वाली बात ही है। देखिए प्लेज के पास एक भी शेयर नहीं है, एफआई के पास भी शेयर नहीं है। तो अक्सर स्टॉक में देखिए प्लेज के पास स्टॉक होना चाहिए था, इसमें प्लेज के पास स्टॉक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक ख़राब है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं थी, प्लेज के पास हो कि ना हो, प्रोमोटर ने यहाँ पर स्टॉक उठा कर रखा है तो कोई ज़रूर कुछ वजह होगी। अब देखिए DI के पास है, फिनेंशियल के पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पास स्टॉक है। तो हम लोग ये लोग देखिए ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रखे हैं, इनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट हम लोग को मिल सकता है स्टॉक बाई करने के लिए। अदर्स DI 27.8 है, 28.9। तो ओवरऑल स्टॉक कोई खराब भी नहीं है, चाहे तो बाई करिए। कंपनी को ओवर भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्विटास होल्डिंग इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इट प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल्स फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस। देखिए माइक्रो गाड़ी के घर के फाइनेंस के ऑफर देता है, माइक्रो क्रेडिट टू पुअर रूरल पीपल, बहुत ही बढ़िया है। देखिए जो लोग गरीब होते हैं उन लोग के लिए माइक्रो फाइनेंस है, अर्बन डेवलपमेंट, वुमेन इंक्रीमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है स्टॉक के, कोई खराबी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिर से एक नए वीडियो आप लोग के लिए अच्छे रह सके।